हैदराबाद FC अभी नया टीम में नया नया ज्वाइन किया, अच्छा लग रहा है सबके साथ मिल गया कि नया कोच नया टीममेट सब नया है, तो थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इधर आके ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सबके साथ अच्छा, सब मेरे को हेल्प किया, सब ऑन ग्राउंड ग्राउंड के बाहर भी सब हेल्प किया एज ए टीम सबके साथ मिलने के लिए, तो अच्छा लग रहा है। अभी देखते हैं हैदराबाद FC कैसा जाता है, अभी सिचुएशन थोड़ा ख़राब है ये तो फैक्ट है, ये हम लोग एक्सेप्ट करते हैं फिर भी, लेकिन अभी से ही नेक्स्ट ईयर का सोच अभी से ही बदलना चाहता हूँ, क्योंकि सब एज ए कलेक्टिवली सब अगर खेलेगा तो हम लोगों का नेक्स्ट मैच भी टफ है, अगर एज ए टीम सब खेलेगा तो इधर से ही चेंज हो सकता है, तो अभी से चेंज होगा तो नेक्स्ट ईयर में भी हेल्प होगा। FC गोवा अच्छा टीम है, उनका अटैकिंग अच्छा है, लेकिन हैदराबाद FC भी लास्ट दो मैच में अच्छा खेला बहुत, सिर्फ एक ही गोल कॉन्सिड किया, लेकिन वो भी नहीं होता, लेकिन अच्छा खेल रहा है, नया कोच आने के बाद धीरे धीरे चेंज हो रहा है, सब अच्छा खेल रहा है, तो अभी कोच बताएगा क्या करना है नहीं करना है, तो हम लोग एज ए टीम सब पॉजिटिव सोच रहे हैं कि ये मैच अच्छा होने वाला है। सर्जियो लोवेरा बहुत अच्छा कोच था, 2 साल 2.5 साल से वो है टीम के साथ, वो चला जाना ये हमारे लिए एडवांटेज है, शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जो हम लोग को ये यूज़ करना है, तो अभी जब तक नहीं होगा ग्राउंड तब तक तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ये हमारे लिए एडवांटेज हो सकता है कि उन लोगों का कोच चला गया, वो हम लोग को पॉजिटिवली सोचना है कि ये जो डिसएडवांटेज गोवा का है वो हम लोगों को एडवांटेज हो सकता है। ऑफ कोर्स ये एक अपॉर्चुनिटी है अच्छा खेलने का, अच्छा अभी नया कोच बहुत कुछ सीख रहा है, मैं भी नया नया हूँ तो कोशिश करूँगा टीम में क्लीन शीट रहे, टीम और अच्छा परफॉर्मेंस करे, सिर्फ अकेला नहीं एज ए टीम सब अच्छा खेलेगा तो ये अच्छा होगा।